नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको DI सोनालिका 734 ट्रैक्टर दिखा रहा हूं। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। भाइयों, ये 37 HP का ट्रैक्टर है और इसका जो फ्रंट लुक है बिल्कुल 750 सेकंडर की तरह देखने में लगता है। इसमें आपको 60 kg का बम्पर मिलेगा और सिंगल पीस ट्रैक्टर का बोनट है। ये सोनालिका का लोगो है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें आपको लॉक मिलेगा, तो बैटरी वगैरह तो इसकी बाहर दी गई है, ठीक है। इसका जो एयर क्लीनर, इसमें आपको 4-स्टेज ऑयल बार वाला एयर क्लीनर मिलता है और पेंट भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है। इसके जो स्टिकर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं। और बात करें इसकी हेडलाइट के बारे में, तो इसमें आपको हाइलक्स की हेडलाइट मिलती है। और इसका जो फ्रंट एक्सेल है ये नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन काफ़ी हैवी दिया हुआ। इस ट्रैक्टर पर आप लोडर डोजर फिट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये पावर स्टेयरिंग के साथ में आता है, पहले ये पावर स्टेयरिंग में नहीं था, ठीक है। और भी इसमें कुछ बदलाव किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। स्पार्क मिंटा का इसमें आपको अल्टरनेटर मिलेगा। पावर स्टीयरिंग पंप, हेडोल पंप दोनों अलग अलग हैं। ये इसके हेडोल फिल्टर दिए हुए हैं। और इसका जो बैटरी बॉक्स है बाहर की साइड में आपको मिलेगा। इसके जो आगे टायर हैं गुडियर के मिलते हैं, 6-16 के, ठीक है भाइयों। काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर होने वाला है अपने सेगमेंट में। और ये इसका पावर स्टीयरिंग है, ये इसमें अपडेट दिया हुआ है। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग है। और यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्पीड कल्टीवेशन। ये ट्रैक्टर कल्टीवेशन के लिए स्पेशल बनाया गया है। और भाइयों, 3 सेंडर ट्रैक्टर है, 2780 cc का इसमें आपको इंजन मिलेगा। और ये इसका माइक्रो बॉस का इनलाइन पंप दिया हुआ है भाइयों। ये हाईएस का इसमें आपको वाटर सेपरेटर मिलता है और लगभग 40 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिलेगा। ये भाइयों पावर प्लस सीरीज है। पहले ये ट्रैक्टर 34 HP में आता था, लेकिन अब ये पावर प्लस में आ गया है, तो ये इसकी HP बढ़ा दी गई है। 37 hp में दिया हुआ है ट्रैक्टर, आप देख सकते हैं आप लोग। और बात करें इसके क्लच के बारे में, तो ये सिंगल क्लच ट्रैक्टर है, डुअल क्लच में आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो गियर बॉक्स है, इसमें आपको स्लाइडिंग मैस का गियर बॉक्स मिलता है, 8+2। सेंटर गियर ट्रैक्टर है, साइड गियर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है भाइयों। सिर्फ आपको सेंटर गियर भी मिलेगा। इसकी जो सीट है ये एडजस्टेबल होने वाली है। और इस ट्रैक्टर में आपको शायद मल्टी रिवर्स PTO भी नहीं मिलेगी। और बात करें इसके डिफर के बारे में, तो इसके जो डिफर हैं, इसमें आपको हैलोजन टाइप डिफर मिलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके मीटर, ठीक है भाइयों। इसका जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। इसके जो मीटर हैं, जो सेकंड पर 750 में आते हैं भाई, इसमें आपको मीटर मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मीटर हैं। इसमें आपको सभी मीटर मिलेंगे। ये तेल का हो गया, ठीक है, और ये टेम्परेचर का है, अलग अलग इसमें आपको मीटर दिए गए, सभी मिलेंगे। बैटरी का मिलेगा, RPM का मिलेगा। इस ट्रैक्टर के जो RPM है 2000 इस ट्रैक्टर के रेटेड RPM दिए हुए हैं भाइयों। और बात करें इसकी लिफ्ट के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 1600 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। और बात करेंगे इसके ब्रेक्स के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलेंगे। ऑक्सन में आपके लिए डिस्क ब्रेक भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑयल मस्ट ब्रेक। और भाइयों, अब बात करते हैं इसके टायरों के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 13 से 28 के टायर मिलते हैं गुडियर के। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है किसान भाइयों के लिए, बहुत ही बेहतरीन है अपने सेगमेंट में। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा आपको और पीछे रिफ्लेक्टर हो गया। बाकी ये मडगार्ड की वाइब्रेशन कम करने के लिए फेंडर दिया हुआ है भाइयों। हिस्स देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी हिस्स तगड़ा आपको मिलेगा, कंपनी से ही मिलेगा। 1600 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। और फाइबर का इसमें आपको टूल बॉक्स मिलता है, ये ट्रॉली में लाइट फिट करने के लिए हो गया, देख सकते हैं आप लोग। पेंट बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने में इसका। यहाँ पर आप अपने ट्रैक्टर में नंबर वगैरह डाल सकते हैं। और ये पास में इसका बैटरी बॉक्स हो गया, देख सकते हैं आप लोग भाइयों। और बात करें इसकी PTO के बारे में, तो ये 37 HP का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में आपको 32.59 HP की PTO पावर मिलती है, यानी कि इस ट्रैक्टर में आपको 33 hp की PTO पावर मिलेगी। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है अपने सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा CC होने वाली है। 2780 cc का इसमें आपको बड़ा इंजन मिलेगा, ठीक है भाइयों। तो किसान भाइयों, जिसे भी ट्रैक्टर लेना है तो अपने निकटतम शोरूम पर संपर्क करें कीमत के लिए, क्योंकि कीमत तो हर साल बढ़ती है, हर 6 महीने में कीमत बढ़ रही है। तो कीमत के लिए आप अपने निकटतम शोरूम पर आएँ। और इस वीडियो में मैंने आपको इस ट्रैक्टर का CC टॉर्क PTO पावर मैंने आपको बताई। एक बार फिर से बताता हूँ, इस ट्रैक्टर का जो इंजन है 2780 cc का इंजन है और 2000 इस ट्रैक्टर के रेटेड RPM दिए हुए हैं। 33 HP की इसमें आपको PTO पावर मिलती है, 152 Nm का टॉर्क है। तो किसान भाइयों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।